देही इलाके में रूपमती नाम की लड़की अपने बाबा जान के साथ रहती थी। रूपमती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके बाबा जान मुलाजिमत के लिए चले जाते तो वो घर पर तन्हा रह जाती। एक रोज रूपमती ने अपने बाबा जान से कहा, बाबा जान या आप मुझे माँ ला कर दीजिए या एक गाय ला कर दीजिए, मैं सारा दिन घर में तन्हा बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे निकाह नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को देही में जानवरों का बाजार लगता था। रूपमती के बाबा जान बाजार से गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह बाबा जान, बहुत खूबसूरत गाय लाए हैं आप, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपमती घर पर अकेले नहीं रहती थी, वो पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध निकालती, तो कभी उसे नज्म पढ़कर सुनाती। रूपमती के घर के पीछे मालिक और मालकिन रहते थे। रूपमती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी, उसे जब भी मौका मिलता वो देही में इधर उधर सैर को जाती और दोपहर में रूपमती की आंख लग गई। तब मुन्नी उसकी मालकिन के दौलत खाने में जाकर उसके पाकीजा जगह पर गोबर कराई। मालकिन नींद से फारिग हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसने आओ देखा ना ताओ और मुन्नी की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की सदा रूपमती को सुनाई दी तो वो एकदम से उठ गई। रूपमती दौड़ती हुई मालकिन के दौलत खाने पहुँची। अरे अरे चाची रुक जाइए, चाची बेचारी मर जाएगी। ले जाए इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपमती रोते हुए मुन्नी को घर ले आई। मुन्नी का एक सींग खम हो गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांध कर ही रखना चाहिए। रूपमती मुन्नी का इलाज करती है और एक खूंटा नजब करके मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ अब मैं सुकून से रह सकती हूँ क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक रोज रूपमती के घर डाकिया खत लेकर आया। बाबा जान चाचा जान का खत आया है, अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति का निकाह है। कुछ दिनों बाद रूपमती अपनी चचा जात बेटी की शादी में जाती है। देख मुन्नी बस 2 दिन की बात है, ये चारा रखा है नौश कर लेना और ये पानी रखा है सरे आप कर लेना। जब रूपमती और उसके बाबा जान चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और देही में इधर उधर सैर करने लगी। उसने देखा कि मालिक और मालकिन सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर पर घुसी और उनके मुंह पर पैखाना कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपमती घर वापस आई तो उसने देखा कि खूंटा उखड़ा हुआ है। बाबा जान मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को देही में तलाश करने लगे। अरे चचा जान हमारी गाय देखी है क्या? बेटा तुम्हारी गाय को सेठ सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपमती और उसके बाबा जान की दिली अजियत होती है, वो मालिक मालकिन के दौलत खाने पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी, आपने हमारी गाय को पीट कर मार डाला? हाँ खत्म कर दिया, उसने हमारे मुंह पे गोबर कर दिया था इसीलिए खत्म कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ, मैं देही शोहरा में शिकायत कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। शिकायतों से कुछ नहीं होगा, इंसाफ ये है कि जानवर के बदले जानवर देना होगा। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीदी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरियल नहीं थी, ये ज़ईफ गाय पता नहीं कहां से उठा कर लाए हो। देखो ज्यादा जुबान दराजी मत करो, गाय के बदले मैं तुम्हें गाय दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ख्याल रखना, इकलौती दुख्तर है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा बताना जरा। चल बेटा ऐसे मगरूर लोगों के मुंह लगना फिजूल है। रूपमती और रूपमती के बाबा जान ज़ईफ गाय को ही घर ले आते हैं। बाबा जान मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती, हम इसी ज़ईफ गाय को नाजों से पाल लेंगे।
रूपमती और उसके बाबा जान कमजोर गाय की खूब खातिरदारी करते हैं। उसकी हालत में कुछ बेहतरी होती है। एक रोज रूपमती गाय का दूध दूने बैठी। पिताजी जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का आग निकल रहा है। कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर सख्त सोना बन जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपमती जल्दी ही दौलतमंद हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ अहमक हो। वो ज़ईफ गाय जिसे तुमने रूपमती को सौंप दिया था सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम लोग बहुत अमीर हो चुके होते। मालिक सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार की बाजार से एक अच्छी तंदुरुस्त गाय खरीदी और उसे लेकर रूपमती के घर पहुँच गया। क्या हुआ मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे घर? अब्बू जान घर पर हैं बेटा? नहीं, मुलाजिमत के लिए गए हैं। मुझे अपनी ज़ईफ गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरे माँ के बज़ाहिर है। तुम उसके अवज में तुम ये तंदुरुस्त और खूबसूरत गाय ले सकती हो। अच्छा, जब हमने ज़ईफ गाय की तबीयत अच्छी करके उसे अच्छा कर दिया और वो सोने का दूध देने लगी तो आपको ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे अब्बा जान के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? रूपमती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वो दूध दूना शुरू कर देता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दूध दुहा जा चुका होगा, कल सहर से दूना। उस रात मालिक और मालकिन सो जाते हैं। अगली सहर जब वो सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट का गोबर कर दिया है। मालिक और मालकिन पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। वो दोनों का गोबर में दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका आखिरत भी बुरा ही होता है। मेहंदीपुर देही इलाके में किशन नाम का धोबी रहता था। किशन के माशी जरिया भैंस थी जिसको लकब था काली। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती। किशन दूध का जखीरा बर्तन में शराबोर कर लेता। शारदा, मैं दूध को फरोख्त करने जा रहा हूँ, काली की गिजा का इंतजाम कर देना। हाँ जी, जो हुक्म। किशन मोटरसाइकिल से आवाम के घर दूध दस्तियाब करने जाता था। किशन की बीवी काली के गोबर को बर्तन में जमा करती थी और उससे दीवार के दरीचे भरती थी। जो कंडे बच जाते थे तो शारदा उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि वही उनके जीस्त की बैसाखी थी। वक्त बेवक्त अगर काली का दूध बच जाता तो वो दोनों उन्हें देहात के गुर्बत ज्यादा लोगों में तकसीम कर देते। एक रोज किशन अपने आशियाने में स्मार्ट टीवी फरोख्त कर लाता है। देहात के किसी भी रईस जादे के पास स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर तशरीफ ले जाता है। लीजिए भानु भाई जान, मिठाई नोश फरमाइए। जनाबे अलग किस बात की है, दुआ के साए में स्मार्ट टीवी खरीदा है। स्मार्ट टीवी, ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह जरखेज है। भानु किशन से बेइंतहा हसद रखता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी हमनवा से अर्ज करता है। इनकी काली तो कोहिनूर का हीरा बन गई है, उसके दूध और गोबर से ये दौलतमंद दस्तियाब हो रही है। एक निकम्मी आलसी हमारी भैंस है, पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर दूध जरखेज करती है और आपके मानिंद गोबर होता है। और एहतरामन इन दोनों के दौलत खाने में कोई शय आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं खून जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुरा कर अपने घर ले आए? क्यों पागलों की जैसी बातें कर रही हो? अरे तुम अहमक हो, भैंस को यहाँ ले आना, उस पर खाकी रंग तकमील कर देना।
और देहात के आवाम से कह देना कि बाजार से भैंस फरोख्त करके लाया हूँ। बात तो तुम्हारी सौ आने बरहक है। शब में किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु खामोशी से घर में दबे पांव आता है। वो काली के दाहिने में रस्सी बांध देता है, काली को अपने जेरे नजर घर में ले आता है। घर लाकर वो काली पर खाकी रंग तकमील कर देता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब किशन और शारदा सोकर बेदार होते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। ऐ खुदा, मेरे अल्लाह, काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शको शुवा नहीं करते और पूरे देहात में अपनी भैंस की शिनाख्त करते रहते हैं। पूरे देहात में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर आंसू बहाते हैं। उस दिन दोनों भूखे रहते हैं। या मेरे मौला, मासूम काली किस मुसीबत में होगी? देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके करीब जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है, परवरदिगार ने शायद हमारा जरिए माश किया था है, वरना इस बियाबां में किसी को भैंस कैसे मिले दस्तियाब है। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर लाते हैं। दूसरे दिन शारदा जब सोकर बेदार होती है तो अपनी नई भैंस के कंडे बनाने लगती है। गोबर में से उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। अरे सुनिए सुनिए, देखिए गोबर में क्या मिला है। सोने का टुकड़ा, ये भैंस के पेट से दस्तियाब हुआ। फिर दूसरे दिन जब भैंस गोबर देती है उसमें एक और सोने का टुकड़ा मिलता है। लगता है मेरे परवरदिगार ये गोबर के साथ रोज एक सोने का टुकड़ा भी देती है। किशन और शारदा गोबर में सोने के टुकड़े मिलने से बहुत जल्द दौलत से लबरेज होते हैं। वो एक आलीशान महल बनवा लेते हैं और कार भी दस्तियाब कर लेते हैं। उधर जब भी भानु दूध दुहने के लिए बैठता तो काली उसे जोर से लात मारती। भानु और उसकी बीवी काली की खूब डंडे से पिटाई करते और जबरन दूध दस्तियाब करते। कबख्त ने तो जीना हराम कर दिया है, वहाँ बड़े प्यार से दूध देती थी और यहाँ देने में इसे मौत आ रही है। किशन का तो ताजमहल बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। अल्लाह ही जाने कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। भानु शब में दबे पांव किशन के घर में आंख लगाता है और खामोशी से किशन और उसकी बीवी की बातें सुन लेता है। आज हमारी कामयाबी इस भैंस की वजह से है। अलबत्ता ये रोज सोने का टुकड़ा अपने गोबर में ना देती तो हम कभी दौलतमंद नहीं बनते। अच्छा, लगता है इनकी भैंस के पेट में बेइंतहा सोने के टुकड़े हैं। किशन और किशन की बीवी जब सो जाते हैं तो भानु रात में दबे पांव उनके घर आता है और उनकी नई भैंस खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोने के टुकड़े पाने के फिराक में भैंस का शिकम चीर देता है। भैंस के शिकम में सोना नहीं मिलता और भैंस बेजा हो जाती है। जल्दी से इसका इंतजाम करिए वरना हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। लेकिन देहात का खादिम उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसे मार डाला। खादिम भानु को गिरफ्त में लेके किशन के जेरे नजर करता है। भानु, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी, हम तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया है? जी मैं शर्मसार हूँ, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। देहात में जेवरी बुलाई जाती है। जेवरी भानु और भानु की जोजा को देहात से दरबदर करने का फैसला सुना देती है।